प्रदूषण की जांच करने एनजीटी की टीम पहुंची मऊ। नगरपालिका प्रशासन सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले न्यायाधीश डीपी सिंह, अस्पतालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं, अस्पतालों की गंदगियों के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं, नगरपालिका के पास कूड़ा निस्तारण प्लांट ही है, नगरपालिका को कचरों को अलग अलग करके निस्तारण करना चाहिए। अस्पतालों के कूड़ा निस्तारण पर तीखी टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश डीपी सिंह ने कहा कि इस तरह की लापरवाही और गंदगी पर उन्हें दंडित किया जा सकता है, जिसके लिए सीएमओ जिम्मेदार हैं, वार्निंग दे दी गई है। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की सराहना करते हुए न्यायाधीश डीपी सिंह ने कहा कि उनकी कार्यशैली अच्छी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी कमियां हैं सभी का एक महीने में निस्तारण कर दिया जाएगा। तमसा नदी के किनारे पेड़ लगाने पर भी जोर दिया। उन्होंने तमसा नदी में गिर रहे नालों पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि 13 नालों का डीपीआर प्रोजेक्ट बनाकर 2 महीने में लखनऊ भेज दिया जाएगा और नमाम गंगे प्रोजेक्ट के अनुसार इनको फंड मिलेगा, फिर इन 13 नालों पर एसटीपी लग जाएगी। एसटीपी लगने के बाद नालों का नदी में गिरना बंद हो जाएगा। पीएलएल न्यूज़ के लिए मऊ से प्रबंध संपादक शादाब काजमी की रिपोर्ट। कहीं भी रूल्स का रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो बायोवेस्ट रूल है उसके अनुसार हर अस्पताल में सेग्रीगेशन होना चाहिए, खुले में कोई डस्टबिन नहीं होनी चाहिए, 4 डस्टबिन यूज करनी चाहिए, वहाँ से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको सेग्रीगेटेड वे में भेजना चाहिए, कहीं भी नहीं फॉलो है इसका। कहीं अस्पताल में जलाया गया है, इसका फल ये होगा कि इन अस्पताल में जहाँ की रूल नहीं फॉलो हो रहा, अगर मरीज भर्ती होगा तो एक बीमारी तो ठीक होगी, वो दूसरी बीमारी लेके चला जाएगा। रिसर्च बताता है कि अगर हॉस्पिटल के अनहाइजीनिक कंडीशन से 40% लोग बीमार होके ही निकलते हैं, यानी हमारा अगर अस्थमा ठीक हुआ, मैं घर गया, 4 महीने बाद जो इन्फेक्शन हुआ अस्पताल में उससे फिर लौट के आऊँगा, तो रूल्स का कंप्लायंस नहीं है। हमको अश्योर किया है यहाँ के सीएमओ ने कि हम जल्दी जून भर में कर देंगे। एक दूसरी, नगर पालिका का व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं भी डस्टबिन जो होनी चाहिए 3 वो नहीं लगी है, और यहाँ कोई प्लांट नहीं है जिससे कूड़े का निस्तारण किया जा सके। एक जगह ये अभी इकट्ठा कर रहे हैं, 4 जगह में बताया गया, ओपन में कोई भी जब कूड़ा इकट्ठा होगा, बारिश आने वाली है, भीग के इससे सिल्टे जमीन में चली जाएगी, तो अंडरग्राउंड वाटर पलूट होगा। तो ये हमने कहा है कि आप सेट बनाइए और पूरा वो करिए। तीसरी, तमसा पे चूँकि विशेष रूप से हम आए, तमसा पे बहुत अच्छे यहाँ के DFO लगे, पूरे 56 किलोमीटर तमसा में दोनों तरफ देसी पेड़ लगाए जाएंगे, बरगद, गूलर, पाकड़, नीम और क्या महुआ, बड़े वाले आम, कि जिससे कि तमसा को गर्मी में पेड़ों से पानी मिलता रहे। जितने 5 किलोमीटर तमसा के दोनों तरफ ताल हैं, झील हैं, वो सब रिस्टोर होंगे और उनके भी चारों तरफ प्लांटेशन होगा। ये ब्रॉडर वे में तय किया गया है कि कूड़े का निस्तारण नियम के अनुसार तुरंत कंप्लायंस करें, 56 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पे दोनों तरफ प्लांटेशन करें, 5 किलोमीटर दोनों तरफ सारी तालाब को रिस्टोर करें, अगर कहीं तमसा में इंक्रोचमेंट है तो वो हटाएं। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो त्रिपाठी जी ने क्या है कि उन्होंने कहा नहीं, हम 1 महीने में सब करवा देंगे जितने इंक्रोचमेंट वगैरह है। और इसमें 13 नाले तमसा में गिर रहे हैं, शहर के ड्रेन, जो किसी मीडिया ने यह बताया, 13 नालों का DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लखनऊ भेज दिया जाएगा 2 महीने में, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अनुसार इनको फंड मिलेगा, फिर ये 13 नाले पे STP लग जाएगी, STP लगने के बाद नालों का इसमें आना बंद हो जाएगा। तो ये अभी 2 महीने में भेज दें लखनऊ, फिर प्रयत्न किया जाता है कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए, नाले का गिरना बंद हो जाए अपने तमसा नदी में।
ये ब्रॉडर तय हुआ है और हमने इनसे कहा है कि आप कंप्लायंस करिए और अगस्त में अगर मौका मिलता है तो हम फिर आते हैं। हम वृक्षारोपण देखना चाहते हैं और तालाबों का, झीलों का रिवाइवल देखना चाहते हैं। नगर पालिका को कहा है कि एक महीने में इंगेज करिए और कहीं भी ओपन कूड़ा दिखाई न पड़े शहर के अंदर ना डंपिंग साइट पे, और सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग करना, प्लास्टिक अलग, ये अलग, वो अलग, वो भी शुरू हो जाएगा। अस्पताल में चार चार बिन लगेंगी सारे अस्पतालों में, जहाँ चार तरह के अलग अलग सेग्रीगेटर रखे जाएंगे और कोई भी कंटेनर वो बंद नहीं, खुला नहीं रहेगा, सब बंद रहेगा। स्टेशन बनेंगे कूड़ा इकट्ठा करने की, वो भी क्लोज होना चाहिए। और कोई बात तो बताइए सर, आज क्या कमियां मिली हैं, आज क्या निरीक्षण? ये सब कमियां ही मिली है जितना बता रहा हूँ। नहीं, अस्पतालों में तो इनकी लापरवाही है, मैनेजमेंट की अस्पतालों में तो इनकी लापरवाही है। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाइए तुरंत, जो आकस्मिक चिकित्सा कक्ष है वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है कि कैसे कूड़े का निस्तारण होगा, उसमें चार बिन्स बने हुए हैं और वहीं पे कंप्लायंस नहीं है, वहीं तीन खुले रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है। इस पे क्या एक्शन लिया? इस पे अभी मैंने इनसे कहा कि इसको करेक्ट करें और बाकी जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के साइंटिस्ट हैं हमें रिपोर्ट देंगे, फिर इनको इन्वायरमेंटल कंपनसेशन से दंडित किया जा सकता है। वो 50 लाख भी हो सकता है और करोड़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा हम लोग तय करते हैं इसको। बस और इनका प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है जिसमें 5 साल जेल की सजा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पलूट करने के वाले के ऊपर। सर, जो नगर पालिका के क्षेत्र में जो पंचायत नदी है उसके 13 क्षेत्र में आपको रोपण की बात कहे अभी रोपण के अलावा वहाँ सर अतिक्रमण है और जबरदस्ती वहाँ घर नहीं, अतिक्रमण पे कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि सारे अतिक्रमण हटाए जाएंगे। ये उनसे रिक्वेस्ट किया गया है डीएम साहब से कि लेखपाल को लगा के सब चिन्हित करेंगे कि कितनी ज़मीन तमसा की है रेवेन्यू रिकॉर्ड से, उतना लगा के उसको सब अतिक्रमण हटाया जाएगा। और जो मान लीजिए कोई प्राइवेट लैंड है तमसा में तो उसमें भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, तो उसमें जो मालिक है वो पेड़ लगा के उसको मालिकाना हक मिल जाएगा, पौधे का मालिक वही रहेगा लेकिन लगाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। सर, जैसा आपने सर बताया कि जिला अस्पताल में जो इलाज कराने वाले मरीज हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो क्या माना जाए कि जिला चिकित्सालय में जो तमाम बार बार बातें निकल के आती हैं कि मरीजों का सही से इलाज नहीं होता, तो ये बात इसको तय माना जाए, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार जिला अस्पताल प्रशासन? हमेशा प्रशासन ही होता है। देखिए, अगर कोर्ट का निर्णय गलत है तो जज जिम्मेदार है, प्रशासन काम नहीं कर रहा तो प्रशासन जिम्मेदार है, अगर वो मंत्री काम नहीं कर रहा तो मंत्री जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो हमेशा सिस्टम में जो उसको चला रहा है उसी की होती है, उससे कोई भाग नहीं सकता। लाभ यही है, अगर ये जिला अस्पताल में गंदगी है, नियमानुसार कूड़े का इकट्ठा संचालन नहीं है, तो यहाँ का CMO, यहाँ का सुपरिंटेंडेंट जिम्मेदार है। हम उसके खिलाफ़ रिपोर्ट कर सकते हैं NGT को, मैं चेयरमैन हूँ मॉनिटरिंग कमेटी का, तो NGT को हम रेकमेंड करेंगे कि इनके ऊपर इतना वो इन्वायरमेंट कंपनसेशन का दंड लगाया जाए, या प्रोसिक्यूशन हम रेकमेंड करेंगे कि इनको जो है सजा कराया जाए, जेल ट्रायल होना चाहिए। ये है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, चाहे कलेक्टर हो चाहे कप्तान हो, उसके नाक के नीचे जितनी गड़बड़ी है ही रिस्पॉन्सिबल, और उसके ऊपर हम कंपनसेशन इन्वायरमेंट का लगा सकते हैं। अच्छी बात है कि कलेक्टर यहाँ के बहुत पॉजिटिव सोच के हमें लगे, त्रिपाठी जी क्या है नाम है, हाँ, उन्होंने कहा कि मैं महीने भर में ये सब करवा दूँगा, आपका बिगनिंग हो जाएगा और अगस्त तक पौधे लग जाएंगे और इंक्रोचमेंट हट जाएगा। गया है कि चार जगह इन्होंने जमीन ली है, अब यहाँ नहीं गिरा रहे शहर में, अब वो कूड़ा गिरा रहे हैं कहीं बाहर, लेकिन उसमें भी कमी थी कि कूड़े को ओपन में नहीं गिरा रख सकते हैं, अगर ज़मीन पे रखेंगे बारिश में ज़मीन में सीपेज होगा,
तो उसको आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने कि हम सेट बनवाएंगे और उसी के नीचे कूड़ा रहेगा और नीचे से मोटा कंक्रीट की दीवार फर्श रहेगी। ठीक सर, ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस भी आने वाला है, तो हाँ, क्या कुछ इस बार तैयारी रहेगी आपकी? नहीं, हम तो नहीं, हम तो न्यायपालिका के अंग हैं, हमें कुछ नहीं तैयारी करनी, तैयारी इन्हीं लोगों को करना है। हम तो वाच करते हैं, कोर्ट का काम है वाच करना, नहीं मान रहे हो तो दंड देना, हमारा काम नहीं, तैयारी तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ये हम जजेस का काम थोड़ा ही है कि फर्स्ट हैंड देखने को मिल जाता है क्या है। अब वो प्रतिबंध नहीं है जो हाई कोर्ट जज के रूप में था, वहाँ भी नहीं था जज। हम लोग सब इस कंट्री के लिए हैं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए। पर्यावरण एक बड़ी समस्या है सर, कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी इसमें होती है। हाँ, सबकी जिम्मेदारी है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये सब सूख जाएगी और 25-30 साल बाद पानी के लिए राशन लगेगा। ग्रामीण इलाकों में अभी भी भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्या। हाँ, वो कारण है कि पौधे काट दिए गए, वृक्ष है नहीं, तालाब हमारे सूख गए और जो मसलमैन मदमाशों ने कब्जा कर लिया जगह जगह, ताल पे, पोखरों पे, उस पे प्रशासन चुप रहा। अब जब नौबत आ जाएगी, लोग मरेंगे भूखों तो करेंगे, लेकिन एक आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप हमारा ईमेल एड्रेस ले लीजिए, फ़ोटो खींचिए, कहीं गड़बड़ी है सीधे हमारे जो ऑफिस को भेज दीजिए, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। हमारे सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के, वो उस पर तुरंत एक्शन लेंगे, एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, उसको ठीक करेंगे। पूरे 22 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए हम 6 आदमी काम कर रहे हैं, 7 आदमी है, 3 जजेस और हैं, तो हम लोगों का तो अलग माइंडसेट है ना, वही इसका नहीं है ब्यूरोक्रेसी वाला। जज का माइंडसेट अलग होता है, वो नियमानुसार दंड दे सकती है।